हाँ दोस्तों, कैसे हैं? न्यू अपडेट लेके आया हूँ आज कर्नाटका बैंक अपडेट में। आज रिपब्लिक डे है, हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। आज 26 तारीख है, कर्नाटका बैंक ने 25 तारीख को जो क्लोजिंग दिया है वो 170 रुपये 45 पैसे पर दिया है। और अगर वेटेड अवे वॉल्यूम वेटेड एवरेज से भी देखें थोड़ा सा निगेटिव सा है। इसको जहाँ पे 119 का देना था वहाँ 100, तो हो सकता है थोड़ा सा वीकनेस है, ये क्लोजिंग करे। और बैंक निफ्टी में भी थोड़ा सा निगेटिव ही है, तो आपको शॉर्ट टर्म के लिए तो हो सकता है कि 100 वापस 112 115 पे दिखा दे आपको, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको जरूर होल्ड अपने पोजीशन पोर्टफोलियो में रखें। यहाँ पे ये 24 लाख 25 लाख का एवरेज वॉल्यूम कर रहा है और डिलीवरी का है तो 25 से 26% ले रहा है, ख़राब नहीं है। ये सिर्फ आपको प्राइस टू बुक वैल्यू 0.66 मिल रहा है। अगर मैं कर्नाटका बैंक के एक बारे में पूरा डिटेल में बात करें तो कर्नाटका बैंक इज प्रोवाइडिंग अ वाइडर जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस इनक्लूडिंग रिटेल कॉर्पोरेट बैंकिंग एंड पारा बैंकिंग एक्टिविटीज इन एडिशन टू ए ट्रेजरी एंड फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस। इसका हाई था 155, लो था 92, करंट प्राइस 117 है। स्टॉक की पी 7.78 है और इसके पास जो डेप्ट है 63,000, लेकिन इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 1.1 है। ये एक थोड़ा एक कंसर्न है, ये फिर भी ठीक है। प्राइस टू बुक वैल्यू 0.66 मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आपको देखिए 56%, 3,281 करोड़ का तो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। चूंकि बैंकिंग है इसलिए डेप्ट यहाँ पे ज़्यादा दिखता है, वैसा कोई इशू नहीं है। अगर प्राइस टू कैश फ्लो देखिए इसका तो क्या 4.6 टाइम्स मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है ये आपको। तो मिड कैप सेक्टर की बहुत ही अच्छी कंपनी है और इसको आपके पोर्टफोलियो में होगा तो अच्छा रहेगा, ये पोर्टफोलियो में होना चाहिए आपके। और अगर मैं इसको एक बार रिटर्न की बात करूं तो आप रिटर्न देखेंगे तो इसमें 1 मंथ में आपको 1.5%, 3 मंथ में 7%, 6 महीने में 2%, YTD 4%, 1 ईयर में निगेटिव रिटर्न है 23%। बाकी ओवरऑल 10 ईयर में देखें तो 126% और 5 साल में देखें तो 36% और 3 साल में देखें तो 50% का रिटर्न दे चुका है। और यहाँ से अभी आपको वापस से 35 से 40% रिटर्न बहुत जल्दी आपको दे देगा, साल भर के अंदर दे देगा, इतना दम रखता है। अगर रिकमेंडेशन की बात करें तो एलियन कैपिटल ने 15 जनवरी को 136 का टारगेट दिया है, एडलिविश ने 15 जनवरी को 145 का टारगेट दिया है, निर्मल बाग ने 14 जनवरी को 143 का टारगेट दिया है। और अब यहाँ पे देखें तो एक्सिस ने नवंबर 12 को 105 का दिया था जो अचीव हो चुका है। तो 140 145 से 136 तक कर 136 145 140 का टारगेट अभी आ रहा है इसका। फेस वैल्यू 10 रुपये का है और अगर इसको चार्ट पे देखें तो ये अपने सारे मूविंग एवरेज को क्रॉस करते हुए ऊपर की ओर खड़ा है, चाहे वो 20 दिन का, 50 दिन का, 9 दिन का, सबको ऊपर क्रॉस करके खड़ा हुआ है, 117 पे खड़ा है, बहुत ही अच्छा है। तो 111 के स्टॉप लॉस को आप रख सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, और लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको हर लेवल पे इसको बाई करना चाहिए और ये आपको 140-145 लेवल का लेवल आपको दिखा सकता है, इनफैक्ट 160 भी जा सकता है। तो कर्नाटका बैंक पॉजिटिव बैंक है, 111 के स्टॉप लॉस से आप इसको रख सकते हैं और आपको 140-150 रुपये का भाव दिखे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 117 रुपये का सिर्फ है इसमें अभी जो भाव चल रहा है। चूँकि बैंक निफ्टी में गिरावट आएगी तो हो सकता है कि सारे शेयर आपको नीचे की ओर मिले आपको, तो आपको इसमें डरने की जरूरत नहीं। अगर नीचे की ओर मिलता है तो आप इसको बाइंग करेंगे, ऐड करेंगे इसको, कहीं आपको इसमें सेल का मतलब कि आप समझ 6 महीने के अंदर आपको ये 130-135-140 का भाव दिखा देगा। तो आराम से 25-30% का रिटर्न आपको 6 महीने के अंदर यहाँ से आपको कर्नाटका बैंक में मिल सकता है, जिसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छी है, 56% है, कैश जनरेशन कैपेसिटी ज़्यादा और सिर्फ मार्केट कैप 4 टाइम्स मिल रहा हो, तो ऐसे बैंक को और अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। तो एक अच्छा पैटर्न है, अच्छा फ्लो है और कर्नाटका बैंक है, इसको आपके पोर्टफोलियो में हो तो अच्छा रहेगा। फिर भी ये एजुकेशन पर्पस के लिए ट्रेडिंग है, आप कोई भी पोजीशन बनाने के पहले अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस कर लें, पेपर ट्रेडिंग करें और फिर पोजीशन बनाएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।